हेलो फ्रेंड्स मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं न्यूमरोलॉजी का ही एक विषय है कार्मिक डेट इसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि कार्मिक डेट होता क्या है और कार्मिक नंबर होते क्या हैं ये तेरह नंबर चौदह नंबर सोलह नंबर उन्नीस नंबर ये कार्मिक नंबर माने जाते हैं मतलब इन पर कुछ ना कुछ पुराने जन्म का ऋण है जो इन्होंने इस जन्म में आकर उतारना कुछ ना कुछ इन्होंने किसी के साथ बुरा किया है पिछले जन्म में जिसका इन्होंने फल इस जन्म में भोगतना है अब इस जन्म के लिए इनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि इनको चीटिंग नहीं करनी बिजनेस में किसी से रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं करनी कोई सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन नहीं करना मिस ऑफ पावर नहीं करना और अननेसेसरी एडवांटेज नहीं उठाना अपनी ब्यूटी का अगर ये इस जन्म में भी ये काम करेंगे तो इनका इनको इनको बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा हालांकि देखो कार्मिक से तो भगवान भी नहीं बच पाए थे इस डेट से कार्मिक नंबर के भगवान राम के भी कहते हैं कि उस पिछले जन्म में कुछ ऐसा उनसे हो गया था जो इस जन्म में आके उन्होंने भुगता था तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बोला जाता है तो इस बात को समझने के लिए कि क्या क्या इन नंबर्स के हाथों क्या क्या पिछले जन्म में काम गलत हुए हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं तेरह नंबर को तेरह नंबर दो एलिमेंट्स नंबर से बना हुआ है एक नंबर और तीन नंबर एक नंबर सूर्य का है सूर्य मतलब पिता भी हो सकता है और सूर्य सोल भी है हमारी और तीन नंबर हमारे जुपिटर का है जुपिटर भगवान का है तो ये तीन और ये एक चार मिल बनते हैं राहू के नंबर तो इन्होंने अपने ज्ञान का पिछले जन्म में कुछ ना कुछ मिस किया है इन्होंने अपने पिता समान किसी व्यक्ति से चीटिंग की है इन्होंने अपने गुरुओं का अनादर किया है जो इनको इस जन्म में तेरह नंबर मिला है तो इन इनके ऊपर ये कार्मिक डेट है जो इनको इस जन्म में उतारना है इनको विशेष सावधानी रखनी है कि इस ज़िंदगी में वो ऐसे काम ना करें जो वो पिछले जन्म में करके आए अब बात करते हैं चौदह नंबर की चौदह नंबर दो नंबर से मिलकर है। सूर्य का नंबर और दूसरा ये राहु का नंबर ये नंबर वाल ये शो करता है कि बिजनेस करते समय ये व्यक्ति या कुछ भी करते समय बहुत ऊपर चला जाएगा लेकिन दस बीस तीस साल तो बहुत ऊपर जाएगा लेकिन एंड में सब जो कमाया हुआ है सब खो देगा और ऋण में लोन्स में आ जाएगा तो ये ये जिंदगी में उनके साथ ये घटना घटनी है तो इनको भी विशेष सावधानी रखनी है कि इन्होंने जो पिछले जन्म में कर्म किया था वो इस जन्म में ना करें अब बात करते हैं सोलह नंबर की सोलह नंबर दो नंबर से मिलकर बना हुआ है सूर्य के नंबर और वीनस से इन्होंने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में अपनी ब्यूटी का फायदा नाजायज उठाया है या कुछ ना कुछ क्योंकि सूर्य भग राजा का नंबर था तो कहीं ना कहीं इन्होंने लग्जरी या विलासिता के, के लिए कुछ ना कुछ गलत काम इनके हाथों से हुए हैं वैसे तो ये पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट अपने अच्छी गुजारते हैं पर कहते हैं ज़िंदगी के फैग एंड में ये लोग बहुत तेज़ी से नीचे आ जाते हैं तो सोलह नंबर वाले को भी इस जन्म में इस कर्मों का अपना ध्यान रखना पड़ेगा अब लास्ट में बात करते हैं उन्नीस नंबर की वैसे कहते हैं उन्नीस नंबर में पिछले जन्म में अपना सारा कार्मिक डेट उतार दिया बट फिर भी भगवान ने उनको दोबारा ये नंबर दिया है कि देखते हैं इस जन्म में तू क्या करता है तो ये उन्नीस नंबर ये बताता है कि एक नंबर और नौ नंबर एक नंबर राजा का नौ नंबर सेनापति का कुछ ना कुछ पावर का मिसयूज किया इन लोगों ने अगर पावर का मिसयूज अगर इस जन्म में भी करते हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ अगले जन्म में भी घटना ये घटित होने की पूरी संभावना है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद